वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद बर्टा। आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो है पराठा रोल रेसिपी। बिल्कुल मज़ेदार बाहर का टेस्ट आपको आएगा, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंग्रेडिएंट्स आप अपने नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। सबसे पहले चिकन को हमने 1 कप विनेगर और 2 कप पानी डालकर थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे चिकन हमारा जब पकेगा तो बहुत टेंडर और टेस्टी बनेगा। 15-20 मिनट बाद हमने सारा चिकन का पानी निकाल दिया है। इसके बाद आपने इसको धोना नहीं है। सारा पानी अच्छी तरह ड्रेन कर लें। अपने स्पाइसेस डालें आप सारे। जो जीरा हमने डाला है और जो सूखा धनिया डाला है हमने, वो इसमें हमने कुटा हुआ और भुना हुआ डाला है, ग्राइंडेड बिल्कुल नहीं डालना। नमक भी आप अपना मुनासिब ही डालें टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको, और चाहे तो ग्लव पहन के मिक्स कर लें वरना हाथ से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करें इसको, और इसको मैरिनेट करने के लिए आप रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। वाइट पेपर मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाली है। आप चाहें इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं। हम अपनी सॉस बना लेते हैं। चिली सॉस बिल्कुल इजी है हमारी। ये मैंने 1 कप चिली सॉस लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑरेगानो और साथ इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए है। ये हमारी रेड चिली सॉस बन गई है। अगर आप स्पाइसी पराठा रोल पसंद करते हैं तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी सॉस जो हम बनाएंगे है वो वाइट सॉस। ये योगर्ट के साथ बनेगी। ये हमने योगर्ट क्रीम लिया है और उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए। योगर्ट क्रीम आपको पता है कि हम इसको दही को हमने मलमल के कपड़े में छानने के लिए रख दिया था और वो उसका सारा पानी ड्रेन हो गया है और वो योगर्ट क्रीम हमारी बन गई है। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें जो मैंने इसमें बताए हैं आपको, और साथ हम इसमें मायोनीज भी डालेंगे। बड़ी स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया हुआ है। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 1/4 कप ऑयल डाल दें पैन में और अपना चिकन को पकने के लिए रख दें। चिकन पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका बोनलेस चिकन है तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा, अगर आपका ब्रेस्ट पीस में है, और अगर आपका थाई पीस में है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी पानी में हमने इसको पकाना है, चाहे आप ढक के पका लें, और फिर आखिर में हमने जब गोश्त हमारा गल जाए, बिल्कुल चिकन गल जाए, तो उसके बाद आप इसके अंदर पानी सारा खुश कर लें। चलिए अब हम अपना रोल को असेंबल करते हैं। मैंने इसमें बटर पेपर लिया था और उस पर पराठा अपना लगाया। 1 भर के टेबलस्पून मैंने अपना वाइट सॉस लगाई है सारी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस लगाई है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सॉस है, इसलिए बच्चों के लिए आप देख लेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी इसमें रखनी है चिली सॉस की। फिर हम अपना चिकन इसमें डालेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल मसालेदार और बहुत टेंडर है, बहुत टेस्टी है। प्याज जो मैंने धो के नमक लगा के धो के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको हम आराम से रोल कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसमें सिर्फ प्याज ही डाला, क्योंकि बाहर आपको पराठा रोल प्याज के साथ ज़्यादातर ऐसे ही मिलता है। इसको झटपट बनाएंगे आप और फटाफट तैयार हो जाएगा। आप अफ्तारी के लिए भी तैयार कर सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको इन्जॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।